Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone. चाइना पार्लियामेंट अडॉप्ट्स प्लान टू इम्पोज सिक्योरिटी लॉ ऑन हांगकांग, यानी कि चाइना की रबर स्टैम्प पार्लियामेंट ने हांगकांग पर एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ को लागू करने की योजना का समर्थन किया है। नेशनल पीपल कांग्रेस यानी कि एनपीसी के 2800 मेंबर से भी ज़्यादा ने इस लॉ को ड्राफ्ट करने का जो प्रपोजल है उस पर उन्होंने फेवर में वोट किया है। अब चाइना के इस नए सिक्योरिटी लॉ के तहत हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियों का प्रावधान है। इस लॉ के अकॉर्डिंग चाइना की जितनी भी सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं वो हांगकांग में अपनी संस्थाएं को ऑपरेट कर सकती हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि इस साल के सितंबर तक ये वाला जो कानून है वो लागू हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। ASI discovers 9th century sandstone shivling in Vietnam, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने वियतनाम के चैम टैम कॉम्प्लेक्स में जो ऑनगोइंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जो एक रीस्टोरेशन का काम वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पर उन्होंने 9th century monolithic sandstone shivling की खोज की है। ये जो चैम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये वियतनाम के क्वैंग नाम प्रोविंस के माई सेन की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। ये जो चैम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये 9th सेंचुरी में किंग इंदिरा वर्मन सेकेंड के शासनकाल में बना था और इन्हीं राजा ने क्वेंग नैम में डोंग डुआंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का भी निर्माण किया था। अब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस चीज़ को जो अनाउंस किया वो ट्विटर पे इसके बारे में अनाउंसमेंट करा और ये अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये इंडिया और वियतनाम के बीच में एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट को दर्शाता है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। IIT मंडी रिसर्चर्स डेवलप लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आज दो नए लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को डेवलप किया है। ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये बिल्कुल ईजी टू यूज़ है, इनको आसानी से यूज़ किया जा सकता है और जब भी कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस होगा तो इन वेंटिलेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भी आराम से ले जाया जा सकता है। अब ये जो दो वेंटिलेटर्स हैं इसमें जो पहला वेंटिलेटर है वो है वाईफाई ऑपरेटेड स्मार्ट वेंटिलेटर। ये जो वेंटिलेटर है ये आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट बैग के ऊपर बेस्ड है। इस बैग के थ्रू क्या होगा कि जो भी ब्रेथ रेट होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर है जो किसी पेशेंट के लंग्स के अंदर जाएगी उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये वाला जो वेंटिलेटर है ये मैन्युअली भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसके साथ साथ ये एक मोबाइल एप्लीकेशन जो वाईफाई के थ्रू चलेगी उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी इस वेंटिलेटर को ऑपरेट किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है वाईफाई ऑपरेटेड स्मार्ट वेंटिलेटर। अब इसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है वो की गई है IIT मंडी वेंटिलेटर के नाम से और ये IIT मंडी ने ही डेवलप की है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये वेंटिलेटर को स्टार्ट भी कर सकती है और वेंटिलेटर को स्टॉप करेगी, इसके साथ साथ जो ब्रेथ पर मिनट का जो रेट है उसको भी ये चेंज करेगी। इसके साथ साथ जो दूसरा वेंटिलेटर डेवलप हुआ उसका नाम है लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये जो वेंटिलेटर है ये एक तरीके का मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसको लो कॉस्ट सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग के साथ जो है इसको यूज़ किया जाएगा और ये जो बैग है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर के थ्रू ऑपरेट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। SpaceX एंड NASA पोस्टपोन हिस्टोरिक एस्ट्रोनॉट लॉन्च ड्यू टू बैड वेदर, यानी कि NASA और SpaceX ने खराब मौसम के कारण मई 27 को फ्लोरिडा के NASA कैनेडी स्पेस सेंटर से दो एस्ट्रोनॉट कौन कौन है, रॉबर्ट बैनकेन एंड डगलस हर्ली का जो एक हिस्टोरिक लॉन्च होने वाला था वो NASA और SpaceX ने पोस्टपोन कर दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इस वाले जो मिशन है यानी कि इस मिशन का जो नाम है वो है डेमो 2 मिशन, इस मिशन को जो दोबारा से अटेम्प्ट किया जाएगा वो 30 मई को किया जाएगा 3:22 पे। अब ऐसा कहा गया है कि ये पहली बार है कि जो NASA के एस्ट्रोनॉट है वो SpaceX के साथ लॉन्च किए जाएंगे और ये 2011 के बाद पहली बार है कि NASA ने अपना क्रू लॉन्च किया है। अच्छा।